हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर एट होम गार्डन। ये मेरा सीडलेस लेमन प्लांट है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे इस प्लांट में कितने सारे लेमन लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे लेमन लगे हैं और ये सारे के सारे सीडलेस है। इसके अंदर बीज नहीं होता है और ये बिना बीज का मेरा नींबू का पेड़ है। और देखिए बहुत ढेर सारे नींबू लगे और मैंने छोटे से ही 24x24 के गमले में, प्लास्टिक गमले में ये प्लांट को लगाया है और अभी एक साल ही हुआ इस प्लांट में और मुझे इतने ढेर सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है साथ ही साथ। और देखिए सारे कुछ पक गए हैं, तभी मैं इनको हार्वेस्ट करूँगी। आज हम लेमन हार्वेस्ट करेंगे। देखिए कितने खूबसूरत मेरे, बहुत ही खूबसूरत हैं ये मेरे सारे लेमन और ढेर सारे बंच में लगते हैं। ये सारे लेमन मेरे बंच में लगते हैं, देखिए कितने सारे। और ये कलियाँ भी आ रही है, फूल भी खिल रहे हैं, बहुत सारी कलियाँ आ रही है, फूल खिल रहे हैं और इन फूलों में छोटे छोटे फिर से फ्रूट्स भी बन रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से लगते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लेमन होता है और इसका टेस्ट दूसरे लेमन से थोड़ा अलग है, थोड़ा इसमें स्वीटनेस रहती है हल्की सी एकदम, और इसको लाइम भी कहते हैं। और देखिए आज मैं हार्वेस्ट करूँगी इन सारे लेमन को और बंच में, बंच के बंच तोड़ने में बहुत ही मज़ा आता है और आप भी लगा सकते हैं इसी तरीके से। देखिए ये इस तरीके से आप भी प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं और इसी तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है, इसकी केयरिंग भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको महीने में, हर महीने में इसको फर्टिलाइज़र करते रहिए, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली थोड़ी सी मिला के इसमें डालिए। वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। नीम खली डालिए, सरसों खली डालिए और महीने में एक बार इसको फर्टिलाइज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र बहुत लगता है। सिट्रस जो भी फ्रूट रहता है उसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगता है, तो आप उसको हर महीने में कम से कम आपको डालना ही चाहिए। 15 दिन में एक बार डालेंगे तो और फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। जितनी केयरिंग करेंगे आप उतने अच्छे फ्रूट्स इसमें मिलेंगे आपको। देखिए आप समझ सकते हैं मैंने कितनी केयरिंग की है, तो मुझे इतने अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं। और जो हल्के से हरे हैं मैं उनको भी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े आधे पीले आधे हरे हैं, तो ये 2-3 दिन रखने के बाद ये पूरे के पूरे पीले हो जाएंगे और पूरे पक जाएंगे ये लेमन। मुझे तो लेमन लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं चाहती थी कि मेरे घर में बहुत ढेर सारे लेमन हो गए, तो देखिए आज मैं इसमें सक्सेस हूँ और मुझे बहुत सारे लेमन मिल गए हैं। और इसके पहले भी मैंने हार्वेस्ट किया है। देखिए ये कितने अच्छे बंच में लगते हैं, देखिए गुच्छे के गुच्छों में लगते हैं ये। बस इसकी केयरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा प्लांट है ये, सीडलेस लेमन कहते हैं इसे। इसमें इस लेमन के अंदर सीड्स नहीं होते और जूस बहुत ज़्यादा होता है। एक एक लेमन में आपको कम से कम एक एक कटोरी भर भर के आपको जूस मिल जाएगा एक लेमन का, मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये पूरे कितने ढेर सारे, आप सोच भी नहीं सकते कि एक प्लांट में इतने सारे आपको नींबू मिल जाएंगे। आप इसका सब कुछ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं और ऐसे ही खा सकते हैं इसको। और हर चीज़ में लेमन तो बहुत यूज़ होता है, शरबत बना सकते, शिकंजी बना सकते, जो चाहे आप घर में इतने सारे लेमन का कुछ भी कर सकते हैं। देखिए खुशी का तो मेरा ठिकाना नहीं कि मैंने इतने सारे लेमन उगा लिए घर पर। अब ये 2-3 दिन मैंने इसको पेपर में लपेट के रख दिया था, तो देखिए सारे के सारे पीले हो गए हैं, जो हरे थे वो भी पीले हो गए हैं और सारे गुच्छों में हैं, तो ये पीला गुच्छा कितना अच्छा लग रहा है, देखिए पूरे पक गए हैं। जबकि मैंने जब हार्वेस्ट किए तो हल्के हरे थे और अब ये 2-3 दिन बाद पेपर में लपेटने के बाद पूरी तरीके से पक गए हैं। और देखिए एक लेमन में 5-6-7 ऐसे बंच होता है, देखिए 1-2-3-4-5-6-7 लेमन है इसके अंदर, तो ये बंचों में ही लगता है, गुच्छों में लगता है, तो आपको देख के खुशी हो रही होगी कि इतने अच्छे लेमन है ये। और बीज का तो बड़ा ही मसला रहता है कि बीज रहे अगर इसके अंदर तो हम अचार बना रहे हैं या कुछ भी सलाद में डाल रहे हैं, कुछ तो बीज आ जाते हैं बीच बीच में और वो कड़वे होते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है। देखिए सारे लेमन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया, देखिए काट के दिखा रही हूँ, इसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें बीज नहीं रहता है। देखिए काटने के बाद आप समझ सकते हैं, मैंने इसका अचार भी बना लिया, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा अचार होता है इसका। आप भी बनाइए बिना बीज के लेमन का अचार,